अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार के लिए आज मैं हाथ नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि मैं नमस्कार के लिए हाथ जोड़ती हूँ तो लोग उसमें मीडिया वाले वो नमस्कार के लिए हाथ जोड़ा उठा के सलमान खान से मैं माफी मांग रही हूँ वो दिखाते हैं। ओके, लेट मी कम टू द पॉइंट। मैं आज लाइव क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान कराची से कॉल आ रहे हैं और नंबर्स के साथ साथ में इवन आई वॉन्ट कि सबको पता चले कि कोई मुझे किस तरीके की धमकी दे रहा है। जस्ट लिसन दिस, गेट ऑन द कैमरा। मैं कराची से बात कर रहा हूँ, चौधरी उस्मान के यहाँ से। किसके वहाँ से? चौधरी उस्मान राजा साहब को जानती है ना? जानती है ना, तू के मेरे बाप है क्या? जानती है ना, करके बात कर रहा है। इधर से बात कर रहा, इधर मेरी बात सुन अभी। हाँ बोल। ये तूने जो है ना रवि पुजारी की गोद में जाकर तू बैठी है, वहाँ पे जाकर तूने राजा साहब की गोद में जाकर तू जान दी। तू दाऊद इब्राहिम को? दाऊद तेरी को नहीं जानती तू? तू दाऊद का आदमी है? मिस कॉल मार रहे तेरे, बस पैसे नहीं कॉल करने के लिए। भिखारी साला। हेलो हेलो, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिए। बोलो, अच्छे से बात करोगे तो अच्छे से मैं भी बात करूँ। बोलो। बोलो, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, सही है? कराची शहर का नाम सुना है ना पाकिस्तान में? नहीं सुना। क्यों? तो मुझे ज्योग्राफी सुनाएगा? सिर्फ ज्योग्राफी सिखाने के लिए फोन किया? तूने फोन क्यों किया वो बता मेरे को, पॉइंट पर मुद्दे पे आ। हाँ हाँ, उस्मान भाई, सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, हमारे हमारे बॉम्बे में बहुत फेमस मिठाई मिलती है। तो मेरी गाड़ी का नंबर जान के क्या करेगा? अच्छा, चौबीस घंटे एक महीना है तेरे पास, सही है ना? अच्छा, क्या करने के लिए? राजा साहब के बारे में बहुत के पास जाके आने का मजा है, सही है? अच्छा, मेरी एक मिल रही है एनजीओ जो चार गाड़ियां हैं तेरी, उसके सब पता है गरीबों के नाम पर से बटोर रही है। पैसे बटोर रही है, पैसे बांट रही है, अभी तेरे से लुक्का समझाए क्या? अबे कम बच। तू एक महीने से मेरी गाड़ी का नंबर नजर पे रख के। हाँ बोल। उस्मान भाई ने बोला है कि एक महीने के अंदर अंदर अगर एक छोटा ढीला नहीं किया ना तूने, सही है? मेरे को हम लोग मार देंगे, बता रहे हैं, सही है? क्या करेगा? क्या ढीला नहीं किया? क्या नहीं? एक अबे इतना मारूंगी ना तेरे को, तू खाली सामने तो आ रहे। हाँ, तो मैंने अभी आप लोगों को सुनाया कुछ जो कॉल मुझे पाकिस्तान से आया, और सब लोग इसका नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9230320484 27। इस नंबर से आया है, दाऊद इब्राहिम का कोई चमचा है बोलते हैं उस्मान चौधरी, उसका कोई रिलेटिव कॉल किया है। मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूँ, चाहे वो रवि पुजारी हो चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। और तुम लोग ने अगर मेरे ऊपर अभी जो तुम्हारे बंदे ने कॉल किया था, इट इज़ डायरेक्टली टू मिस्टर दाऊद इब्राहिम। तुम्हारा जो बंदा अभी कॉल किया था जिसने मुझसे बदतमीजी से बात की है ना, उसको बोलना चूड़ियां नहीं पहने है ना तो सामने आके बात करे। उसने मुझे बहुत कुछ बोला है, मैं सब पुलिस को देने वाली हूँ जो उसने मुझे वॉइस नोट भेजे हैं। समझ में आया? इतने लुखे हो गए राजा साहब, एक खोखा चाहिए और क्या, एक महीने की वॉलिडिटी के साथ में। अरे कुछ तो शर्म करो। कोई भी तुम्हारा नाम यूज कर रहा है, और मुझे पता है ये कॉल किसने करवाई है और कौन ये कॉल करवाने वाला है। आई नो अबाउट इट, और मैं ये आपको आज के आज साबित करके दिखाऊंगी कि ये कॉल किसने कराई। जिस बंदे के CDR में ये निकल गया कि उसने पाकिस्तान में बात किया है, तो ये जो कॉल मुझे आ रहे हैं और जो धमकी आ रही है 1 करोड़ की फिरौती, यानी कि खंडनी मुझसे मांग रहा है कोई, वरना मुझे और मेरे परिवार को मार डाले। सोच के भी देखिए ना, सोच के अक्खे नहीं जाओगे। समझ में आया? लड़की हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों से ज्यादा जिगर रखती हूँ। इसके आदमी रहे चाहे उसके आदमी रहे, पैसा चाहिए ना तो इधर बॉम्बे कमिश्नर ऑफिस में देती हूँ पैसा, और लेके जाओ मुंबई कमिश्नर ऑफिस में पैसे की डील रखेंगे, लेके जाओ पैसा। लेकिन क्या है ना, मुझे लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कि तुम जैसे भिखारी लोग भीख मांगते पता नहीं था ना, पर ना जरूर उसको पता करके रखती मैं। जुबैर खान जो कुछ करवा रहा है बेटा, भारी तेरे को बहुत कुछ पड़ेगा।
बहुत कुछ भारी पड़ेगा, क्योंकि सलमान खान को ये पता नहीं है, सलमान खान भी दाऊद से कनेक्टेड है, तू भी दाऊद से कनेक्टेड है, मुझे तूने खुद ने बताया था जुबैर खान। अगर सलमान खान की बात मैं समझती कि सलमान खान ने मुझे ये कॉल करवाया, तो सलमान खान अभी देखिए मेरे जिस फोन पे लाइव हूँ मैं, उसी फोन पे अब बताऊँ कि सलमान खान को ये पता नहीं है ना कि मेरी कपड़े की मिल भी है, मेरी गाड़ियों के नंबर ये जुबैर खान को अच्छी तरह पता है, कपड़े की मिल, तो मैं सलमान खान पे तो आरोप नहीं लगाऊंगी। जुबैर आरोप तो तेरे पे ही लगाऊंगी, खंडी तूने ही रिकवरी करवाया है, तूने कॉल करवाया है, जिससे भी कॉल कराया पाकिस्तान से, विल नॉट लीव यू, मैं तो तुझे छोड़ने नहीं वाली हूँ, तू एक झूठा इंसान है, तेरे झूठे केस के चलते मुझे इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है अब तक, और लेट्स सी अब मैं तेरा आगे क्या